विकास को रफ्तार देने के मकसद से सत्ता में आई मोदी सरकार के राज में विकास की उल्टी गंगा बह रही है, जिसे लेकर केंद्र सरकार चौतरफा आलोचना झेल रही है। और अब बेरोजगारी, आर्थिक मंदी और बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कल दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत बचाओ रैली करेगी और जनता को सरकार की नाकामी बताएगी। लेकिन उससे पहले आज एक बार फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। देश के आर्थिक हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। मोदी सरकार विकास के लाख दावे कर रही है, लेकिन उनका असर जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहा, जिससे जनता बेहाल होती जा रही है, क्योंकि मोदी राज में विकास की उल्टी गंगा बह रही है। महंगाई को घटना चाहिए तो वो आसमान छू रही है, रोजगार बढ़ना चाहिए तो वो लगातार घटता जा रहा है। अब खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल की वजह से खुदरा मुद्रा स्फीति नवंबर महीने में बढ़कर 5.58% पर पहुंच गई है, जो 3 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। पिछले महीने अक्टूबर में यह 4.62% पर थी। वहीं नवंबर 2018 में खुदरा महंगाई दर महज 2.33% थी। लेकिन ऐसे हालात के बावजूद मोदी सरकार चुप्पी साध कर अपने में ही मस्त है, जिसे लेकर कांग्रेस ने फिर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, महंगाई पिछले 3 साल में उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। रोज के इस्तेमाल का सामान लेने में ही आम लोगों की जेबों पर कैंची चल रही है। भाजपा की कुनीतियों के चलते आई मंदी की वजह से आमदनी जीरो है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री इस पर मौन है। आम जन की समस्या से इतना बेफिक्र प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही कोई हुआ हो। आपको बता दें कि इससे पहले प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी को लेकर सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि आंकड़े बताते हैं कि भाजपा सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना बुरी तरह फेल हुई है। बेरोजगारी 45 साल के अपने चरम पर है। प्रियंका ने मोदी है तो मुमकिन है का जिक्र करते हुए पीएम मोदी पर तंज कसा और कहा कि भाजपा है तो जीरो नौकरियां मुमकिन है। कांग्रेस की तरकश से मोदी सरकार के खिलाफ लगातार तीखे तीर निकल रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि मोदी सरकार इससे कैसे कर पाएगी अपना बचाव और कब अर्थव्यवस्था को देगी रफ्तार। डीबी लाइव की रिपोर्ट।